मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी जिला के गांव खंडोड़ा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, प्रदेश में सिस्टम बदल कर आमजन का जीवन किया आसान और डबल गति से किया विकास। प्रदेश के युवाओं के सिर चका बोल रहा मनोहर सरकार की मेरिट पर भर्ती की नीति का जादू। मुख्यमंत्री ने राज्य के अंतिम छोर पर बसे गांव तक पानी पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश। जनसंवाद के दौरान तेज बारिश में भी जारी रहा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार को अपने 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के तहत रेवाड़ी के बावल विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने खंडोड़ा गांव में जनता के साथ सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने कहा कि पिछले 9 सालों में केंद्र व हरियाणा सरकार ने विकास के काम डबल गति से किए हैं। इस दौरान आमजन के जीवन को सुगम बनाने के लिए सिस्टम बदलने का काम किया है, जिसके चलते आज लोगों की घर बैठे सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री शुक्रवार की शाम रेवाड़ी जिला में अपने 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के पहले दिन बावल विधानसभा क्षेत्र के गांव खंडोड़ा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गांव खंडोड़ा में मुख्यमंत्री का पहुंचने पर फूल माला और पगड़ी बांधकर स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल पर स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कनीना से हेलीकॉप्टर के जरिए बावल के खंडोड़ा गांव पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल, मोहम्मद इमरान रजा, एसपी दीपक सहारन, मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ, एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह, एसडीएम बावल जितेंद्र सिंह, डीडीपीओ, बीडीपीओ, डीडब्ल्यू सहित सभी विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में आसपास के गांव के लोग और सरपंच आदि उपस्थित रहे। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान तेज बारिश और धीमी बारिश में भी कार्यक्रम लगातार जारी रहा। मिजोरम सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए हमारी सरकार ने ऐसा सिस्टम खड़ा किया है, जिससे आज लोगों को अपने कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़ता। आज हर कार्य के लिए ऑनलाइन व्यवस्था तैयार की गई है। उन्होंने परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि हर परिवार की जो भी जरूरत है, उसे सरकार द्वारा घर बैठे पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वाभिमान के साथ 1 लाख रुपए से कम आमदनी वाले परिवारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कार्य के लिए प्रदेश में 1 लाख परिवारों का टारगेट निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य का 50% हासिल भी किया जा चुका है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से राज्य सरकार की नीतियों के बारे में फीडबैक भी लिया। प्रदेश के आखिरी छोर पर राजस्थान की सीमा से सटे गांव खंडोड़ा में बड़ी संख्या में युवाओं ने मनोहर सरकार की मेरिट पर भर्ती की नीति का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान गांव खंडोड़ा में 67 युवाओं की नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न गांव के सरपंचों को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया, जिस पर गांव राजगढ़ के सरपंच ने नहरी जल से गांव में पशुओं के लिए बनाए गए तालाबों को भरवाने की बात रखी। मुख्यमंत्री ने तुरंत ही सरपंच की मांग पर संज्ञान लेते हुए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य की अंतिम सीमा पर बसे सभी गांवों में नहरों से पानी पहुंचाने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने गांव खंडोड़ा में विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि गांव में जल घर का निर्माण, गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन, स्कूल में शौचालय का निर्माण, नहरी नाले को जौहर तक जोड़ने के लिए लाइन, बस क्यू शेल्टर का निर्माण, विलेज नॉलेज सेंटर और सामुदायिक हॉल का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गत दिनों बरसात से घरों में आई दरारों संबंधी समस्या सुनते हुए कहा कि जिन ग्रामीणों के घरों में इस तरह की समस्या है, ऐसे व्यक्ति क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, सरकार द्वारा उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बनवारी लाल ने बावल विधानसभा क्षेत्र की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत करते हुए क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि बावल विधानसभा क्षेत्र में सरकार द्वारा यहां के लोगों को हर जरूरी सुविधाओं का लाभ सुचारू रूप से मिल रहा है। खंडोरा गांव में जरूरी सुविधाओं को लेकर सरकार हर स्तर पर विकास कार्यों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि गांव में जनसहभागिता से विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। रेवाड़ी जिले के और बावल विधानसभा के गांव खंडोरा में जनसंवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी क्रमशील मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और हमारे जिला के अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह चौहान जी, गांव के सरपंच साहिबा और मेरे सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, हमारे सभी विभागों के अधिकारीगण, आज सबसे पहले तो मैं यहां पहुंचने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज खंडोड़ा गांव के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी का दिन है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और आप लोग बता भी है, आज से पहले इस गांव के अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं आया और आज माननीय मनोहर लाल जी इस गांव के अंदर आए हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात खंडोड़ा गांव के लिए नहीं हो सकती। और दूसरी बात, हेलीकॉप्टर से नहीं आए होंगे, लोगों को एक हेलीकॉप्टर का भी चाव रहता है कि भी हेलीकॉप्टर देखे, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और पिछले 8.5 साल के अंदर प्रदेश सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है और व्यवस्था परिवर्तन करके जो लोगों के जीवन को सुगम किया है, जितनी भी हमारी सर्विसेज थी उनको ऑनलाइन किया और ऑनलाइन करने के दो फायदे हुए, एक तो भ्रष्टाचार कम हुआ, दूसरा आप लोगों को घर बैठे वो सुविधाएं मिल जाती हैं। पहले आप लोग काफ़ी बुजुर्ग लोग भी यहाँ बैठे होंगे, कांग्रेस के समय में 1,000 रुपये पेंशन मिलती थी लेकिन वो कागजों में ही मिलती थी, किसी ने पूरी पेंशन मेरे ख्याल से नहीं ली होगी। लेकिन आज माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में अगर 2,750 रुपये चलती है तो 2,750 ही मिलेगी, एक नया पैसा आपका कोई काट नहीं सकता। तो ये भ्रष्टाचार कम हुआ कि नहीं हुआ, और आपके चाहे स्टाइफंड हो बच्चों का, चाहे और दूसरी सुविधाएं या लाभ हमारी सरकार के, वो सब आपको डायरेक्ट आपके खाते में जाते हैं, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आपको कहीं धक्के नहीं खाने पड़ते। आज किसानों को जो फसल बीमा मिलता है, फसल के जो नुकसान होता है उसका जो मुआवजा मिलता है आपको घर बैठे मिल जाता है, नहीं पहले चक्कर काटते रहते थे और 5-5, 10-10 रुपए का चेक भी हमने देखा, आप लोग इस बात के गवाह हैं। लेकिन आज माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में 12,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार मुआवजा दे रही है और आपको कहीं घूमना फिरना नहीं पड़ता, आप घर बैठे उसका फायदा उठा सकते हो। और ये जो हमारा दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है इसमें बाजरा सबसे ज़्यादा होता है और बाजरे का जो रेट है वो गेहूं से भी ज़्यादा है, 2,500 रुपये प्रति एकड़ का जो रेट है, प्रति क्विंटल का जो रेट है, इससे पहले किसी सरकार ने खरीदा ही नहीं और खरीदा तो इतना भाव नहीं दिया जो आज माननीय मनोहर लाल जी दे रहे हैं। और उसमें भी अगर रेट कम होता तो भावांतर करके किसान की पूर्ति की जाती है। और इस दक्षिणी हरियाणा के लिए जो पानी जो डार्क जोन की सारा ये दक्षिणी हरियाणा डार्क जोन में आता है और पानी की पीने की भी और खेती की भी दोनों ही पानी की बड़ी समस्या थी, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने आते ही जो हमारा 143 करोड़ रुपए दे करके सारी नहरों की मरम्मत करवाई, पंप वगैरह ठीक करवाए, सारी चीज़ें ठीक करवाने के बाद आज ट्रेल तक पानी पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। जाएंगे तो बात तो वैसे
मुझे खुशी है कि जितनी बातें मैंने कहनी थी आधी से ज्यादा बातें डॉक्टर बनवारी लाल जी ने वो मेरे वाली कह दी है। बजा दो ताली। मैं कोई बात जो उन्होंने कही है उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, मैं इतनी बात बताऊंगा कि हमारा ये जन संवाद का कार्यक्रम जो शुरू हुआ है भाई, अभी तक 5 जिलों का कार्यक्रम पूरा हुआ है। आज इस स्थान से 6ठा जिला रेवाड़ी इसको भी शुरू किया है, इसकी शुरुआत और खंडोड़ा गांव से शुरू हो रही है, इसलिए आपको इस बात की भी शुभकामनाएं। अब दूसरी बात कि सरकारें जो चलती हैं जनता की सेवा करती हैं। भाई बहनों जरा देखो, ऐसा करो इस कोने में जगह खाली करके ये दरी पर बैठा सकते हैं, यहाँ खाली कर दो, ये पुलिस वाले पीछे हो जाओ, मेरी सुरक्षा की चिंता मत करो, ये बहन भाई सब करेंगे, मेरी सुरक्षा इनके जिम्मे है, ये पुलिस भी पीछे हो जाओ। यहाँ से ये जो भीड़ थोड़ा सा खाली कर दो, हाँ ये पीछे, ये जो जितने भी लोग खड़े हैं थोड़ा पीछे हट जाओ, और ये चारपाई और जो ये मुड़े इनको पीछे कर दो, ये हमारे अधिकारी मुड़े उठा ले और चारपाई उठा ले पीछे ले जाए, घर में तो ऐसे ही होता है, इधर पीछे ले जाओ और पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, बाहर निकाल लो इनको, बाहर निकाल दो इनको सबको। खंडोड़ा निवासी आज इतनी बड़ी मात्रा में आज की सायंकाल यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। और मैं बता रहा था कि पिछले 9 साल से सेंटर में नरेंद्र मोदी जी और स्टेट में हम लोग, उसमें हमारे बनवारी लाल जी समेत हमारा पूरा मंत्रिमंडल सारे विधायक मिल करके आपकी सेवा कर रहे हैं, और इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कुछ आपके सुन लूंगा। एक तो जितने विकास के काम हैं, अब यहाँ जो कि ये गांव तो बहुत दूर है, हरियाणा का आखिरी गांव इस साइड में पड़ता है, आगे राजस्थान आ जाता है, यहाँ पता नहीं उस विकास के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन जिनको थोड़ा सा दिल्ली जाने का, चंडीगढ़ जाने का, या नारनौल जाने का, या फिर भिवानी जाने का जरा मौका मिलता है, या फरीदाबाद जाने का, वो सब देखते हैं कितना सड़कों का जाल बिछा हुआ, सड़कें हों, पीने का पानी हो, नहरें हों, स्कूल हों, अस्पताल हों, जितनी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों ने की नहीं, लेकिन हमने डबल गति से की हैं जितनी उन्होंने किया 8 साल में 10 साल में, हमने 8 साल में डबल की है। एक एक गिनाऊंगा तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन दूसरी बात जो हमने की है, पिछली सरकारें तो सोच भी नहीं सकती थी, उन्होंने 60 साल तक सोचा नहीं, हमने लोगों की सुविधा के लिए, आखिर हर आदमी की कोई समस्या होती है, उसकी कोई डिमांड होती है, गांव की होती है, बिरादरी की होती है, खेतों की होती है, सामूहिक होती है, अकेले की होती है, इन समस्याओं को हल करने के लिए हमने सिस्टम ऐसे बनाए कि उस सिस्टम के कारण से लोगों को भटकना नहीं पड़ता। पहले घर के 4-6 मेंबर होते थे, हर कोई किसी न किसी लाइन में खड़ा रहता था, ये गैस सिलेंडर की लाइन में, ये राशन की लाइन में, ये कोई पटवारी की लाइन में, या तहसील के लाइन में, ये डीसी की लाइन में, कोई खाद की लाइन में, कोई किसी लाइन में, सब लगे रहते थे, और फिर अधिकारी भी कर्मचारी भी हमको घुमाते थे। कोई नई स्कीम आती थी, फार्म भरने के लिए जाते तो फार्म लेके 6 घंटे में तो नंबर आता था, बाद में क्लर्क कह देता था कि भाई ये तुम्हारा फलानी कमी है छोटी सी, अब है क्या नहीं है पता नहीं, लेकिन वो जो कह देता है वो मान लेते हैं, क्योंकि जानकार वही होता है। हम जाते हैं हफ्ते बाद, फिर एक कमी निकाल देता, फिर हफ्ते बाद जाते हैं, दिन खराब करते हैं, दिहाड़ी खराब करते हैं, फिर वो कमी निकालता है। 3-4 बार जब हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम ही कहते हैं भाड़ में जाए तुम्हारी स्कीम, हम तो घर बैठे रुकी छुकी खा लेंगे, हमें चक्कर नहीं काटते, ये होता था ना। लेकिन अब आपकी हर बात के लिए आपके गाँव में, आपके आसपास सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन कर दी, सारी चीज़ों के लिए कह दिया भाई हाँ जाओ अपनी जानकारी दो, कंप्यूटर में फिट कर दो, तुम्हारी बात हमारे तक पहुंच जाएगी और हम अपने आप उसको ठीक करके भेज देंगे। इसके लिए हमने कई सिस्टम खड़े किए, एक सिस्टम खड़ा किया हमने फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र,
अब ये फैमिली आईडी सबको कहा सब बनवाओ अपनी। मुझे एक बारी जानकारी चाहिए कि खंडोड़ा जैसे गांव जो इतनी दूर है, यहाँ सबकी फैमिली आईडी बनी के नहीं बनी? बनी हो तो हाथ खड़ा कर लो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये फैमिली आईडी एक ऐसा जिसको कहना चाहिए कि जादू का तीर हमने चलाया है कि कोई इसको रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा इसको। और इसके कारण से लोगों की सुविधा घर बैठे मिलेगी, किसी को चक्कर नहीं काटने। केवल फैमिली आईडी बता दो, आपकी जो जरूरत है वो देख लेंगे, हमें भी देखना जरूरत है कि नहीं है। अभी तक क्या होता था, जरूरत जिसकी है वो तो ले नहीं पाता था, और जिसकी जरूरत नहीं होती थी वो सबसे पहले ले जाता था, क्योंकि हमारे पास कोई पहचान ही नहीं थी। अब हमारे पास हर परिवार का एक खाता है कि इसके कितने मेंबर हैं, छोटे बड़े कितने हैं, पढ़ते कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, पेंशन कितनों को मिलती है, रोजगार कितने करते हैं, बेरोजगार कितने हैं, खेती कितने करते हैं, नौकरी कितने करते हैं, मजदूरी कितने करते हैं, सब पता। और जब हमें लगता है कि ये ऐसे परिवार हैं, गरीब परिवार, इनको बुला के कुछ देना है, तो फिर हम उनको फोन करके बुलाते हैं। अब हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता। हमने जब देखा कि जिनकी आमदन 1,00,000 रुपये से नीचे है, उनमें से किसी एक आदमी को रोजगार दिलाओ। नौकरी शायद सबको नहीं दे पाएंगे, नौकरी तो सब अपने अपने योग्यता से लेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, एग्जाम देंगे, जो ले जाएगा ले जाएगा, बाकी रह जाएंगे। लेकिन बाकियों को मदद तो कर सकते हैं। हमने पूछा क्या कर सकते हो, कोई बहन कहती है मैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में और मेंबर बन के और ये काम कर सकती हूँ, या नया सेल्फ हेल्प बनवा सकते हैं, हमने नए सेल्फ हेल्प बनवा दिए। कोई पुरुष कहता है कि मैंने तो गांव में आज तक खेती के साथ कुछ ना कुछ मजदूरी की है, मैं तो भैंस बांध सकता हूँ, गाय बांध सकता हूँ, मुझे लोन दिला दो, उसको लोन दिला दिया। किसी ने कहा गांव में मेरे मकान में एक दुकान बाहर पड़ी है, कुछ सामान खरीद के दुकान कर सकता हूँ, हमने उसको दुकान दिला दी। कोई रेड़ी लगाना चाहता रेड़ी लगवा दी। 10,000 से लेकर के 2,00,000 तक, 10,000 से 2,00,000 तक के हमने जो ऋण है वो दिलवाए लोगों को। 1,00,000 लोगों का टारगेट है, 50,000 को मिल चुका है। और मैं अगर आपके गांव का बताऊं कि उसमें से कितने लोग हमने सेलेक्ट किए थे, शायद मेरे पास वो लिखा हुआ होगा, यहां से 87 लोगों ने उन कैंपों में जाकर के अपना नाम लिखवाया था। विभाग के लोगों ने सबसे बातचीत करके जिन 25 लोगों को छांटा था, उसमें से 18 लोगों को तो ऋण मिल चुके हैं आपके इस गांव में। अभी और प्रोसेस चालू है। तो इस प्रकार से हम लोगों के घर जा करके उनकी आमदन बढ़ाते हैं। एक तरफ हमें लोगों की आमदन बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ एक पार्टी ऐसी खड़ी हो गई है हमारे आसपास मंडराती है, वो कहते हैं मुफ्त ले लो, मुफ्त ले लो, ये मुफ्त ले लो, ये मुफ्त ले लो। हम लोगों को रोजगार दिलाते हैं, उसमें से कमाओ और खाओ, वो मुफ्त का देते हैं। अब आप बताओ, मुफ्त का लेके खाना ठीक या रोजगार करके कमा के खाना ठीक? बोलो कौन सी बात थी? रोजगार कहे, मुफ्त में तो नहीं। मुफ्त वाले भी आएंगे देने के लिए, लेकिन हमारी अपनी एक भावना ये है कि हम, वो भगवान ने हमको 10 2 हाथ दिए, 10 उंगलियां दिए, 10 नाखून दिए, इनसे मेहनत करेंगे, काम करेंगे, दिमाग मिला है, शरीर मिला है, बलशाली है, हम मेहनत करेंगे, कमा के खाएंगे। ये हरियाणा के व्यक्ति का एक गौरव है, और इसको याद रखना। कोई मुफ्त वाला आ जाए उसको धुतकार देना, छुट मार के भगा देना। कोई आपको सहायता अपने काम को करने के लिए चाहिए, वो हम देंगे। लोन चाहिए, ग्रांट चाहिए, सब्सिडी चाहिए, लेकिन काम करो और खाओ। प्री फंड में तो वो है कि जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, कुछ शरीर उसका काम नहीं करता है, उसको तो हम कह सकते हैं, या बहुत बुजुर्ग हो गया 80 साल से ऊपर का, वो कहता मेरा आगे पीछे कोई है नहीं, मैं क्या करूं, खाना कैसे बनाऊंगा, कपड़े कैसे धोऊंगा, रहूंगा कैसे, घर का गुजारा, मैं अकेला अपना गुजारा कर नहीं सकता। हमने उसको कहा कि सेवा आश्रम बनाएंगे, तुम आठ करके वहां आ जाओ, हम सेवा आश्रम में वहां तुझे ले जाएंगे। लेकिन अच्छा भला आदमी, काम करने वाला आदमी, उसको मुफ्त मिलना चाहिए क्या? नहीं मिला। तो खैर, इस नाते से हमने काम बढ़ाया। मैं तो कह रहा हूं सिस्टम बदले हैं। अभी सिस्टम में हमने ये भी कहा कि हर परिवार का डाटा हम अपने पास रखेंगे, परिवार की यानी गांव की आबादी कितनी है उसका हिसाब रखेंगे। अब यहाँ जब पहले आबादी पूछते थे, सब अंदाजे से बताते थे,
इस गांव की सरपंच है बहन पूनम, क्यों इस गांव की आबादी कितनी होगी है? लगभग 4,000। और कौन बताएगा कोई? हाँ 7,000। और कौन बताएगा? 6,000। देखिए आज के दिन आपकी आबादी 4,595 है, ये एग्जैक्ट संख्या बता रहा हूं, 4,595। और 791 परिवार हैं। अब एक एक आदमी का हिसाब रखते हैं। आपने कहा कि हमने सबने फैमिली आईडी बनवा ली, ये सब काउंटिंग उसमें से आई है। कौन ऐसा है जिसने फैमिली आईडी नहीं बनवाई अभी? ऐसे कोई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाथ खड़े हैं। पहली बात तो है कि हो सकता है इनको भी पता ना हो, क्योंकि फैमिली आईडी में तो घर का कोई मेंबर जाके बनवा लेता है। अगर स्कूल में भी बच्चा पढ़, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है क्यों? नहीं है। जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना बच्चे, वो भी जाके फैमिली आईडी बनवा लेते हैं कि मेरे परिवार में इतने मेंबर हैं, मेरे माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बहन हैं, दादा जो भी है वो लिखवा देते हैं और फैमिली आईडी बन जाती है। फैमिली आईडी बनवाने में समस्या नहीं आती। बाद में उसकी जांच होती है कि जो इस बच्चे ने लिखवाया है ये ठीक है या इसमें कोई कमी ज़्यादा है। जांच करके फिर उसकी पक्की फैमिली आईडी बनती है। फिर उसकी इनकम की वेरिफिकेशन होती है, जांच होती है कि इनकम कितनी है। तब मैं कहता हूँ कि 1,00,000 से नीचे वाले कितने हैं वो हमको पता है। अगला स्लैब 1,80,000 का है। 1,80,000 के नीचे वाले परिवारों को हमने BPL माना है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। तो ये गरीबी रेखा से नीचे आपके गांव में कुल जो मैंने बताया 4,595 में से 52.27% ये जो है 1,80,000 से नीचे है, आधे से ज़्यादा। जहाँ आधे से ज़्यादा होते हैं मैं उसको कहता हूँ इसमें गरीबों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन क्या हमेशा हमेशा गरीबों की संख्या ज़्यादा बढ़ा के रखनी है? नहीं ना रखनी। तो फिर रोज़गार की तरफ ध्यान देना है, फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। पढ़ाई करके हमारे बच्चे कहीं सरकारी नौकरी में जाएं, कहीं प्राइवेट नौकरी में जाएं। आजकल स्किलिंग का काम, हुनर के विकास का काम ये भी चल रहा है। उसके ट्रेनिंग सेंटर हमने जगह जगह बनाए हुए हैं। किसी दूर के गांव में बनाना अच्छा इसलिए लगता है कि वहाँ आसपास के गांव के बच्चे कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ सिखलाई कर लें अपनी। अब वो सिखलाई करने में जो भी काम सीखना चाहें, 800 तरह के काम है जो सिखाते हैं बच्चों को। कोई काम सीखेगा जाके कहीं ना कहीं काम में लग जाएगा। और कुछ भी नहीं है तो मान लो कोई खाती का बालक रंदा मारना भी सीख गया ना अच्छा, तो भी जाके कुछ ना कुछ जाके बाजार में बेच लेगा अपना। कोई अगर मिस्त्री है, वो अगर अच्छा मिस्त्रीपना सीख गया, अगर उसने ठीक से इलेक्ट्रिसिटी का काम सीख लिया तो उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कोई नाई का बालक अच्छे बाल काटने के लिए सैलून के लिए अपनी चाहता है कि मुझे दुकान करनी है, मुझे 2,00,000 रुपये दिला दो, हम उसको दिला देंगे, अच्छी शहर के अंदर सैलून की दुकान खोल लेगा। अगर कोई बेटी, आजकल ब्यूटी पार्लर के कोर्स चले हैं, क्यों बेटी? अब बेटी अगर ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहे, हमने वो भी शुरू कर दिए कि जाओ सीख लो और कहीं भी ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलो। आजकल लड़कियां, बहनें, बेटियां सब शादी जब होती है तब तो बहुत ही काम चल पड़ता है। तो ये काम भी बहुत बड़े काम है। सिलाई का काम महिलाएं सीख जाए, गांव-गांव में सिलाई का खूब काम मिलता है, कढ़ाई का काम, बुनाई का काम, ये सारे काम सीख करके परिवार की आमदन बढ़े। और कौन आदमी 1,00,000 से ऊपर चला जाए ये उसके लिए काम करते हैं। और इसके लिए मैंने बताया कि इन योजनाओं को हम आगे चला रहे हैं। इसी प्रकार जो गरीब परिवार हैं, राशन कार्ड भी हमने बहुत बढ़ा दिए हैं। 2022 पिछले साल दिसंबर तक इस गांव में 300 राशन कार्ड थे और अब 249 जनवरी के अंदर नए बन गए। आज 549 राशन कार्ड इस गांव में, 549 यानी लगभग डबल हो गए हैं। ऐसे ऐसे परिवार थे जो शिकायत करते थे कि भाई मेरा राशन कार्ड बना हुआ नहीं, मैं गरीब हूँ, मजदूरी करता हूँ, कहीं मनरेगा की नौकरी मिलती है, कहीं कुछ और मिलता तो उसमें जाके मेरा गुजारा होता, राशन कार्ड नहीं है। और एक पड़ोस में ऐसा है जिसका 3 मंजिल मकान है, बेटा नौकरी करता है, घर में कार भी रखी हुई है और उसका बना हुआ राशन कार्ड। रामेश्वर दयाल आई है क्या? ये भी आ गई, इनका भी जन्म आज है। अब बताओ आपको पता होना हो और हमने आपको बता दिया।
ऐसे ही रुको, ऐसे ही तीसरी है बेटी है साक्षी, पिता का नाम है सुभाष चंद्र, 13 साल की बच्ची है ये। ये तो नए कपड़े आज पहन के आई, इसे पता ही हो पहले कि हम स्टेज पर जाऊंगे। तो सबके सबका जन्मदिन आज, इनको सबको बधाई। लाओ भी इनको छोटी भेंट देते हैं, लाओ। और एक बार सभी जोरदार तालियों से आभार भी ज्ञापित करें और बधाई दें हमारी इस त्रिवेणी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने करकमलों से सुनील देवी जी को, हमारी बहन सुनील देवी जी जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें उपहार भेंट करते हुए और उनसे बातचीत करते हुए कि प्रदेश सरकार के पास हर किसी की जानकारी है, और हमारी छोटी बेटी साक्षी आए, साक्षी के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं देश और दुनिया में, खेल शिक्षा कला संस्कृति, और उसी को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, ये बेटी है इसको क्या दिया, चॉकलेट्स का डिब्बा और पढ़ने के लिए किताब, ठीक है। चलिए शाबाश शाबाश, अरे बस बेटे बस बस बस। हरियाणा पुलिस में चयन हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बढ़िया। मेरी जानकारी के हिसाब से 67 नौकरियां लगी हैं, 24 तो सरकार केंद्र सरकार की नौकरियां और 43 राज्य सरकार की नौकरियां। इस प्रकार से 67 नौकरियां ऐसी लगी हैं जिसको एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। और मैं आज भी चैलेंज से कहता हूं, दिया नहीं होगा लेकिन अगर किसी ने मांग भी लिया हो तो हमको नाम बता देना, 24 घंटे नहीं पढ़ने दूंगा। उसका काम तरी पार हो जाएगा। जी 2016 में भर्ती हुआ, बाकी आपकी सरकार आने के बाद जितनी निष्पक्षता से जो काम हुआ है, इससे पहले मैं आप 43 ईयर का हो गया मैंने कभी नहीं देखा। एक्चुअली सर आपकी जो गवर्नमेंट है जो इतना अच्छा काम कर रही है उसकी मैं तारीफ करता हूँ सर, तो दुआ करता हूँ कि आप अगले और नेक्स्ट योजना में भी इसी जगह बने रहें और हमारी ऐसे ही मदद करते रहें। ये दुआ जो आप कर रहे हैं या गांव के और लोग भी कर रहे हैं सर? सर मेरा पूरा गांव आपके साथ तहे दिल से। बोलो भारत माता की। ये बहुत पवित्र काम हो रहा है, जरा इसको पूरा होने दो फिर बात शुरू करेंगे। ये हमारी बहन फिल्म बना रही, सरंज बराबर बराबर बढ़ेंगे तो मुझे लगता है जो 8 खड़े हैं ना, इनमें कुछ महिलाओं के, जो महिलाएं सरपंच हैं उनके पति खड़े होंगे, ऐसा है क्या? जो सरपंच पति खड़े हैं वो बैठ जाओ। बैठ जाओ सरपंच पति बैठ जाओ, खाली जो सरपंच खुद हैं और हमारी बहनों में से जो सरपंच है वो भी खड़ी हो जाओ। एक और एक दो, फिर 1 2 3 4 6, सिर्फ 6 हैं। तो ये 6 जो हैं ये एक एक मिनट के लिए अपना कोई एक काम जो हमने लिख के दे दिया ना, सब दे दिया ना, हाँ तो कोई एक काम बोल दो, आगे से शुरू करो। 5 कदम का रास्ता है वो पक्का अगर करवाने के निवेदन, 5 कदम का रास्ता मार्केटिंग बोर्ड से हो जाएगा, लिख के दे देगा ये जी, पड़ जाएगा 1.5 किलोमीटर का, कोई बात नहीं हो जाएगा, बैठो। माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त सम्मानित मंच को नमस्कार करता हूँ। राकेश चौहान सर मेरा नाम है और शहीद हरि सिंह के गांव राजगढ़ से बिलोंग करता हूं। उनकी शहादत पर आप राजगढ़ गांव में भी आए।
जय। गांव में 3 शहीद हैं सर, और भारत माँ के लिए लाल अभी भी 800 से ज्यादा फौजी मैं अपने गांव से वहां भेजता हूं, अर्थात मेरे गांव से गए हैं, ये सौभाग्य की बात है। बहुत बढ़िया, आप यहां आए पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि जनता और सरकार के बीच की दूरी कुछ कम हुई है। बहुत अच्छा, अभी खत्म नहीं हुई है सर, कम हुई है सर, खत्म हुई है सर, अभी दक्षिणी हरियाणा में और खासकर रेवाड़ी और बावल, आज तक हम जहां भी गए हैं किसी लिस्ट में यहां के बच्चों का कभी नाम नहीं आया। एसी कमरों में लिस्टें बना करती थी, मैं आज 42 साल का हो गया हूं सर, एंड आई एम ग्रेजुएट पीजीटी एंड एवरीथिंग सर, आई एम टीचर इन इंग्लिश बट नाउ आई एम द सरपंच ऑफ माय विलेज सर, लेकिन मैंने इतने ज्यादा एग्जाम्स दिए हैं बट एवरी टाइम आई वाज रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ सब ब्राइट सर, कहीं इट वाज जस्ट बिफोर 2014 2014 नहीं सर, मैंने कोई एग्जाम दिया और अभी फिलहाल गांव वालों ने सरपंच बना दिया है। किस्मत में सरपंच बनना था और किस्मत में सरपंच बनने वालों की और आगे खुली रहती है सर, कहीं तक भी पहुंच सकते हैं आप। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। ये जो क्षेत्र जहाँ पे हम आप आए हैं ये सभी लोग जानते हैं, कहना ना चाहे वो बात अलग है, 2014 से पहले जब तक यहाँ दूसरी सरकारें रही किसी का नाम नहीं लगा सर, रोड पे गाड़ियां तो छोड़िए आप, रेहड़ी तक चलाना मुश्किल था, और आज आप 100 की स्पीड से अपनी बाइक दौड़ाते हो और जो दूरी 4 घंटे में तय होती थी सर, आज 1 घंटे में आदमी वहां पहुंचता है। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसके अलावा आपकी बहुत सी योजनाएं हैं, चिरायु है, सभी का लोग फायदा उठा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप धीरे धीरे पूरे हरियाणा में देखते जा रहे हो कि कौन सा वर्ग रह गया है जिनके पास सरकार का पैसा नहीं पहुंचा। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अखबार पढ़ रहा था तो हमारे कुंवारे भाइयों के लिए और जितने भी विदुर हैं उनके लिए भी आपने सोचा, आपका बहुत बहुत आभार। ऐसा है ये ऐसा किया थैंक यू सर, थैंक यू। आपको गांव का काम तो बता दो सर, अब एक काम बताऊंगा। गांव सीमांत गांव है, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है सर, उस गांव में वाटर लेवल 1200 फीट से भी नीचे चला गया, ये सभी लोग जानते हैं, और इरिगेशन डिपार्टमेंट वहां का सर्वे भी कर चुका है सर, तो 1200 फीट से भी नीचे पानी चला गया है। किसी भी तरह से किसानों की भलाई के लिए नहरी जल से हमारे जोड़ों को जुड़वा दीजिए, इसके अलावा हम और कोई काम मांगने भी नहीं आएंगे, वादा रहा सर हमारा। आपका गांव के बाकी है जो आपके नजदीक है सर? अभी तो फिलहाल सांजरपुर गांव तक है, जिस और राजगढ़ सर, ये 3 गांव का फायदा है। सुनिए, सांजर है लास्ट में आपका गांव है जी सर, उसकी ऊंचाई कितनी है? सर ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि निर्भर करता ऊंचाई पर, पानी सीधा तो चलाने में हमें दिक्कत नहीं है, पानी को जब लिफ्ट करना होता है वो हिसाब लगाना पड़ता है कि 10 फुट लिफ्ट करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा, 50 करना पड़ेगा, एक बार उसका अध्ययन करा लीजिए, हमारे जो इंजीनियरिंग स्टाफ है इरिगेशन का वो बता देंगे। नमस्कार सर। हाँ, 75 फीट वन गो में तो जाएगा नहीं, नहीं उसकी 3 stages कर लेंगे सर, 3 stages करेंगे। यस सर, एक प्रोजेक्ट बनाओ, हम चासिन का गांव है, एक सोरे हमें नांगल चौधरी का गांव बताया था, कौन सा भाई? नांगल चौधरी का एक गांव था लास्ट वाला, मुसनोता, ऐसा ही मुसनोता भी है, वो भी 100 फुट ऊंचा है, वो फिर उस जुडिक्शन उधर की है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो भी लास्ट ऊंचे से ऊंचे हैं, अब 3 stage का करो, सारा एक ही साल में नहीं होगा तो 1 साल 2 साल 3 साल इनके गांव तक पानी हमने पहुंचाना है। 8 महीने मैं शोर करता हूँ, 8 महीने पहुंचा दूंगा। आपका नाम? बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर पाल एससी इरिगेशन सर, रविंदर पाल एससी इरिगेशन। यस सर, आप 8 महीने में पहुंचा दो, अगला काम मेरा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बैठिए। रेवाड़ी और हरियाणा का, देश और दुनिया में नाम रोशन करने वाले नौजवान का सम्मान हो रहा है, जोरदार तालियां एक बार आपके हैं। सुलखा का बेटा, रेवाड़ी हरियाणा और भारत का नाम रोशन करके लौटा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद। अच्छा, सुलखा गांव में मेरा अगला कार्यक्रम भी बावल में है, 5 लोगों को मैं मौका दूंगा। अरे रुको रुको रुको, 5 लोगों को, एक तो दोनों में से आप फैसला कर लो कौन बोलेगा, एक पीछे खड़े हैं, एक ये महिलाओं में से एक ही है, बोलो। अब मैं बोलो 5 लोगों को बुलवाऊंगा, बोलो। दो माइक दो,
दो बाकी सपा ने। नमस्कार सर, वैसे तो आपने हमारे गांव की बहुत सारी समस्याएं सॉल्व कर दी है, पर फिर भी मैं चाहूंगी कि गांव में नर्सिंग कॉलेज बनवाएं। नर्सिंग कॉलेज एक, और बाकी तो सर छोटी मोटी समस्याएं हैं वो छोटी मोटी हम पूरी कर देंगे। मैं देखिए नर्सिंग कॉलेज के लिए उनका जो एक सिस्टम होता है कहाँ कहाँ खोलने हैं, मैं आपकी डिमांड को डिपार्टमेंट से डिस्कस करूंगा। आसपास नर्सिंग कॉलेज कहाँ है उसके हिसाब से, और आसपास कहाँ है, कौन से कहाँ पर है? नहीं है, दूर दूर है। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ के कितने बच्चे आ सकते हैं नर्सिंग कॉलेज के, बाढ़ क्षेत्र के आएंगे? चलिए डॉक्टर साहब भी चूंकि स्वयं हेल्थ के आदमी हैं, स्वयं डॉक्टर हैं, तो ये जैसा सिफारिश करेंगे वैसा करा देंगे। अब एक लास्ट, ये जो बुजुर्ग जिनको मैंने बैठाया था ना 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 बैठ जाओ, हाँ ये जो लास्ट, हाँ जी जी जी। मैं आपकी एक सर्वश्रेष्ठ योजना के बारे में निवेदन करना चाह रहा हूँ। हाँ। गांव में लाल डोरे के अंदर स्वामित्व योजना आपने जो चलाई है, जो देश की सबसे अच्छी योजना है और हाँ। वो आपको श्रेय है उसका। हाँ। उस योजना में कुछ खामियां हैं, मैं चाहूंगा कि श्रीमान उस पर ध्यान दें। ना हिस्से दर्ज किए जाते हैं, उसमें हिस्से भी नहीं है किसी के, उसमें प्रॉपर्टी को छोड़ भी दिया जाता है, ये कह के छोड़ दिया जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी लाल डोरे से बाहर है, आपकी नई आबादी में है, छोड़ दिए गए। उसके लिए आपत्ति दर्ज की गई, सर क्या लिखित दिया हुआ पहले, मैंने 9/2/22 को भी एक एप्लीकेशन श्रीमान विकास अधिकारी महोदय को वीडियो को दी थी, आपत्तियां मांगी गई थी तब दी थी, और उन आपत्तियों की मेरे पास एक प्राप्ति की रसीद भी है, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्रीमान से निवेदन ये है कि आपने ऑनलाइन सुनने की व्यवस्था की हुई है, उस ऑनलाइन सुनने की व्यवस्था के साथ साथ ऑफलाइन की भी व्यवस्था करें, अधिकारियों के पास जो एप्लीकेशन जाएं उन पर जरूर गौर हो किसी के तरफ। नंबर एक निवेदन हो रहा है। दूसरा निवेदन है कि हमारे गांव में 78 किले जमीन ऐसी है जो सिर्फ एक पट्टी की जमीन है, और पट्टी की जमीन में हिस्सेदारों के नाम दर्ज हैं। कौन सा गाँव? खंडोड़ा। ठीक है, हिस्सेदारों के नाम दर्ज हैं, उन हिस्सेदारों में से अगर कोई हिस्सेदार फौत भी हो जाता है तो भी लिख दिया, उसमें अगर फौत भी हो जाता है तो विरासत तक के इंतकाल दर्ज नहीं होते हैं। इसके अलावा हम मालिक की हैसियत से उस पर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो नहीं होती है। हम उस जमीन की पैदावार ले रहे हैं, हम उस जमीन को काश्त कर रहे हैं, उसकी फसल को बेचने के लिए पोर्टल पर हम नहीं डाल सकते उन नंबरों को, क्योंकि वो पंचायत के नाम पोर्टल आता है। आपसे प्रार्थना है, करवत प्रार्थना है कि 80 किले जमीन है, या तो जमीन हमारे ये पोर्टल से हटाया जाए और मालिकों के नाम उसका स्वामित्व दिया जाए, मालिकाना हक हमें मिले। ऐसा है, इस सारे विषय को लेके आए हैं जी, मुझे पता नहीं है क्या है। हाँ, लेकिन एक कोर्ट के सारे फैसलों को लेकर के इसमें कैसे कैसे समाधान हो सकता है, कोर्ट से बाहर हम जा नहीं सकते सर। ठीक है, कोर्ट से बाहर न जाए, कोर्ट के फैसलों के अनुरूप हमारा कुछ मदद जो आपके जो की मदद है वो करें, हम पूरा पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। एक निवेदन और बताएं सर, अब नहीं सर, एक निवेदन, सिर्फ एक निवेदन, सिर्फ एक निवेदन। वो ये तो नई बातें मैंने अपनी तरफ से की, जो बात पेश हो चुकी है उससे संबंधित आना चाहता हूँ। नहरी पानी की जहाँ बात है, अधिकारी लोग आज तक आप जैसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, हमारों को जो है गुमराह करते रहे हैं। गाँव से 3-2.5 किलोमीटर दूर है, हम जब कहते हैं कि जोड़ बंदरों को जोड़ दो उससे, तो कहते हैं 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लाइन का प्रावधान नहीं है। 1.5 का प्रावधान है तो श्रीमान 2 का भी करो, 2.5 का भी करो, और हमारे जोड़ों को, बंदरों को जोड़ो। आपके जोड़ सारे भारत माता के धन्यवाद। सुनो 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 सु